हेलो गाइस, तो आपको जैसा पता है कि मैं आई हुई हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने, जो कि हम यहाँ पर बहुत ही लंबी परिक्रमा हम लगाने वाले हैं। तो ये जो परिक्रमा होती है 7 कोस की परिक्रमा है और इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 4 कोस की और 1 3 कोस की। अगर हम किलोमीटर में लगाएं तो ये पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो गाइस, फाइनली जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गिरिराज जी की जो पहाड़ियाँ, इन्हें गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ का व्यू है और बहुत ही सुंदर व्यू है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ है, पर्वत है जो कि पत्थर है पूरा, और जंगल है। हम लोग शाम को परिक्रमा लगाने आए क्योंकि हम लोगों ने दोपहर के समय बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी, तो परिक्रमा नहीं लगाई जा सकती। तो हम लोगों ने इसलिए शाम का टाइम डिसाइड किया। यहाँ पर आप रात में परिक्रमा लगाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत लोग रात में ही परिक्रमा मोस्टली लगाते हैं। गर्मियों में लोग रात में परिक्रमा लगाते हैं और सर्दियों में लोग दिन में लगाते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर आके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है। तो यहाँ कहा जाता है कि जब ये गोवर्धन पर्वत की कुछ कहानी हिस्ट्री कुछ इस तरह सा है कि गोवर्धन जी आए कहाँ से, तो कहते हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली है। जब द्वापर युग में इंद्र के प्रकोप था, जब बारिश बहुत ज़्यादा इंद्र भगवान ने की थी, तब कान्हा जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए इंद्र के प्रकोप से तो अपनी कनिष्ठ उंगली को, यानी कि कन्नी उंगली जिसे हम बोलते हैं, उसको उसे गिरिराज जी को यानी कि गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया ब्रजवासियों को बचाने के लिए। तब से ये गोवर्धन जी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग बहुत समय से, बहुत यानी कि द्वापर युग की बात है ये, जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया था, तो तब से लोग यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। और कहा जाता है कि गोवर्धन जी की मन से, सच्चे मन से जो परिक्रमा लगाते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं या फिर अपने कोई किसी की कुछ कामना पूर्ण हो जाती है, या जैसे ये जो शिखा मेरे साथ में आई है ना, इसने भी बोला था कि मेरा कोई काम हो जाएगा तो मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा ज़रूर लगाऊंगी। तो इसका फाइनली काम हो गया, तो ये गिरिराज जी की परिक्रमा यहाँ लगाने आई है। तो यहाँ पर जो रास्ते में, गिरिराज जी के रास्ते में जो मुख्य तीर्थ स्थल है, यहाँ पर आपको जब परिक्रमा लगाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ राधा कुंड, जतिपुरा और गोविंद जी का मंदिर है, और राधा कुंड और मान सरोवर, मानसी गंगा, ये यहाँ के मुख्य तीर्थक स्थल है। तो हम चलते हैं अब पूरी परिक्रमा में, और मुझे बस आपको ये बताना है कि ये जो लड़की है इसकी परिक्रमा कैसी रही, क्योंकि ये इसने कभी नहीं लगाई, तो मैं लगा चुकी हूँ। तो अब ये देखते हैं आगे कि इसकी परिक्रमा कैसी रहती है। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। तो बोलो राधे राधे एन गोवर्धन महाराज की जय। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हम जब रास्ते में चल रहे थे दोनों, तो ये कान्हा जी का जो है मंदिर छोटा सा, ये बड़ा जैसे कि हम ये दिखाएंगे, ये कान्हा जी का मंदिर है और यहाँ पर भजन चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं बीच में। तो यहाँ पर आपको भजन हर जगह चलते हुए सुनाई देंगे। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं पूंछरी के लोटा पर। तो अब आप बताओ, अभी आप थक गए हो या नहीं? नहीं, अभी नहीं थकी हूँ मैं। और हम पूंछरी का लोटा, मैंने नाम सुना हुआ है, जीत भरतपुर जो इसका गांव है। तो ये अभी पूंछरी का लोटा मेरा गांव नहीं है, एक्चुअली मेरा गांव है डीग। डीग इसका गांव है। तो अभी मैं नहीं थकी हूँ, भगवान की दया है मेरे पे। तो गिरिराज जी ने मेहर कर रखी है कि अभी ये फेस वॉश किया था, तो बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा फेस वॉश करके, बहुत ठंडा ठंडा पानी था। तो अभी ये थकी नहीं है, तो मैंने इसको बोला जब थक जाए ना तो ये पिएगी चिल्लड़, तो ये पिएगी चाय जो ये पीती है। मेरे को चाय बिल्कुल, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं सुबह शाम रात आप जब कहो तब मैं चाय पी सकती हूँ, चाय पी करके मैं सो भी सकती हूँ। और मुझे चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और तो अभी हम पूंछरी के लोटा पहुँचे हैं, और मुझे चाय इतनी पसंद है कि मुझे, मतलब आप कहोगे ना जगा करके भी कि चाय पीनी है, मैं चाय पी। एक बात बताओ, चाय एक ऐसी चीज है जो मतलब एनर्जी देती है। हाँ, एनर्जी क्या, खुशी देती है, मुझे चाय की स्मेली। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, फिर जब थकेंगे तो बताएंगे। अभी हमारे लोकेशन है पूंछरी के लोटा। अभी तो हम बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं चल पाए, पूंछरी के लोटा की जय।
जब गिरिराज जी की गोवर्धन जी मनाते हैं ना अपन दिवाली के बाद, तब उसमें बोलते हैं परिक्रमा में, तब परिक्रमा में बोला जाता है पूछनी के लोटा की जय। अब चले आगे, अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। गाइस जब हम गोवर्धन मनाते हैं दिवाली के बाद वाला, तो उसमें जब हम परिक्रमा देते हैं गोवर्धन जी की, हम गोबर से हम पहले गोवर्धन जी बनाते हैं, फिर उसके बाद जो बनता है हाँ घर में बनाते हैं, और फिर दिवाली के टाइम, दिवाली के टाइम, और फिर उसके बाद परिक्रमा देने के बाद हम बोलते हैं पूछने के लिए की जय, है ना गोवर्धन महाराज, गोवर्धन बाबा की जय। महाराज बाबा बोलते हैं, है ना? अच्छा महाराज बोलते हैं क्या एक्चुअल में? मतलब हमारे जो बड़े हैं वो बाबा भी बोल देते हैं, वो महाराज की जय। तो हमें जो हमारे बड़े हैं वो हमें जो है हमारे संस्कार, जो हिंदू संस्कार है वो सिखाते हैं, हमें बताते हैं, तो हमें वही सब चीजें पता रहती हैं। और फाइनली गाइस हम लोग अभी थके नहीं है, बहुत अच्छा सफर चल रहा है, और अगर गिरिराज जी की मेहर रही ना तो हम पूरी परिक्रमा लगाएंगे और शायद ये ना थके। तो अब देखते हैं गिरिराज जी की मेहर कहाँ तक, नहीं गिरिराज जी की मेहर रहेगी, कृपा रहेगी तो गिरिराज जी की अगर कृपा रही तो हम पूरा पैदल लगाना चाहती हूँ मैं। मैं नहीं चाहती कि किसी मतलब रिक्शे में बैठूं, रिक्शे में बैठ करके मैं किस कोई मेरा रिक्शा चलाए कोई इंसान और मैं पीछे बैठे आराम से परिक्रमा दूं, तो सारा पुण्य तो चलाने वाले भैया को लगेगा और ई रिक्शे में मैं बैठूंगी नहीं। तेरा पुण्य तेरे को ही लगेगा, मेरा पुण्य मुझे ही लगेगा, तू मेरे साथ है, मैं तेरे को चलाती रहूंगी, ऐसे ही दौड़ाती रहूंगी। और हम वैष्णो देवी भी जाने का सोच रहे हैं। हाँ ये फो कह रही है मुझे कि नेक्स्ट टाइम वैष्णो देवी चलते हैं। तो वैष्णो देवी, वैष्णो माता हमें कब बुलाती है? वैष्णो देवी मैं तो 3 बार जाके आ चुकी हूँ, पर ये नहीं गई है, तो वहाँ पर मैं जा गई हूँ 3 बार। मैं वैष्णो देवी जाऊंगी तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरा घर है यहाँ, तो मुझे वो परमिशन बड़ी मुश्किल से दी है उन्होंने। हाँ तो हम लोग साथ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ साथ जाएंगे हम। हाँ तो बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय बोलो। हमारा कंटिन्यू ब्लॉग रही गई रहेगा, राधे 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 राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे। तो गाइस हम जब पूछरी के लोटा की बात कर रहे थे, यहाँ पर उसका बहुत अच्छा मंदिर है जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, तो बोलो पूछरी के लोटा की जय। तो अब हम दर्शन कराएंगे आपके पूछरी के लोटा की, चले चलो पूछरी के लोटा का मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। बोलो पूछरी के लोटा की जय, हर हर महादेव। पूछरी के लोटा की जय, लोटा की जय राधे। तो फाइनली गाइस ये है पूछरी का लोटा, जैसा कि आपने देखा मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है यहाँ का मंदिर, क्योंकि भाई मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, मुझे भी काफी अभी पता चला कि मंदिर भी है, तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। पूरा मंदिर कुछ इस तरह से है, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। तो गाइस हम पूछरी के लोटा मंदिर में आ चुके हैं और इसके दर्शन कर लिए हैं, भगवान दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, दर्शन हुए, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं, अब एक रहते हैं और अब हम जूस पी रहे हैं, क्योंकि अब हमारी श्रद्धा नहीं है कि हम आगे चल सके, तो पहले नहीं, श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो पूरी पूरी है, तो जाएंगे तो सही, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। इसने बोला कि एक बार थोड़ा या थोड़ा पानी प्यास लगती तो जूस पी लेते हैं तभी आगे चलते हैं। और अभी हमें यहाँ से केवल गोवर्धन जी है वो 1 किलोमीटर दूर है, उसके बाद हम 3 पोस्ट की परिक्रमा उठाएंगे, तो हम पैदल ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम रिक्शे में हैं। तो यहाँ पर अभी खाली गिलास पकड़ा दी है, तो भी हम जूस पीते हैं, फिर हम अपना सफर कंटिन्यू रखेंगे। और फिर ये अपनी गाय थकान तो हो चुकी है, थकान तो बहुत है, पांव ऐसे ऐसे लग रहे हैं जैसे टाइम नहीं, आप ही चल रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है। जब भी हम कंटिन्यू हम लोग ना 3 घंटे से कंटिन्यू चले जा रहे हैं, अब बैठे हैं लेकिन पैर तो दुख रहे हैं, लास्ट तक तो हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है पक्का। भगवान सब सही करते हैं, हम नहीं, भगवान सही करते हैं मालूम है, लेकिन हम लोग घर जाएंगे ना तो यूँ अभी हमारे स्माइली चल रहा है, पाँव में दर्द है फिर भी मैं चल रही हूँ, नहीं अभी हमारा बहुत स्माइली चल रहा है, हम लोग घर जाएंगे। हेलो गाइस,
तो कल मुझे फिर जयपुर, कल फिर मुझे जयपुर भी निकलना है। कल नहीं जा पाएगी, ये गिलास भी अंदर से गंदे हैं। अच्छा नमक है, नमक है, नमक देना भी है, खाली नमक पिला रहे, नमक है, गंदे है क्या, नमक है। आम जूस पीते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, चार छोटी परिक्रमा जो ऊपर लिखा हुआ है, छोटी परिक्रमा अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये है छोटी परिक्रमा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस सीरियसली बता रही हूँ, थकान तो होती है, थकान होती है लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पैरों में ना पैर अपने आप ही चलते हैं, अपने आप ही चल रहे हैं, लेकिन और हो जाएगी छोटी, आराम से हो जाएगी हमारी। तो चलते हैं हम छोटी परिक्रमा की तरफ। और देखिए हमारे पीछे है गिरिराज जी का मंदिर, जो शायद आपको यहाँ से अभी छोटी परिक्रमा पूरी होगी तब गिरिराज जी का मंदिर आपको दिखेगा, जो शायद जो लाइट जल रही है ना वहाँ गिरिराज जी का मंदिर, वो थोड़ी हो सकता है, वही है, वही है, वो जो लाइट जल रही है ना वही है। पर हम छोटी परिक्रमा लगा के मंदिर जाएंगे। तो हम चलते हैं छोटी परिक्रमा के अंदर और फिर बाय, बताते हैं कैसा रहा हमारा सफर, वापस मिलते हैं जल्दी। अभी हमने खाना भी नहीं खाया, खाना खाएंगे तब मिलेंगे। जूस पिए क्योंकि जूस जरूर पीते रहना चाहिए, कंटिन्यू एनर्जी आती रहती है। हम लोग एक ही बार रुके हैं बस जूस पीने के। अब चलते हैं मंदिर छोटी परिक्रमा के अंदर। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं राधा कुंड, जैसा कि आप देख सकते हो ये है पूरा राधा कुंड और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, रात का समय कुछ भी, अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। तो फाइनली गाइस थकान तो हो ही जाती है और इसकी शक्ल दिखाने लायक होगी, ये कह रही थी मेरे को थकान नहीं होगी लेकिन अभी भी यही बोलेगी, लेकिन मुझे पता है ये इतना ये मुझे छोड़ के आगे जा रही है, मैं अकेले परिक्रमा कर रही हूँ, स्लो चलती है और मैं आगे जाके जल्दी से फिर मैं बैठ जाती है, फिर ये रील्स देखती है। नहीं मैं रील्स नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरा फोन ना चार्ज लेकर आई थी घर से, और जो वीडियो बनाती है तो गाइस आपको पता है ना बहुत सारा बैटरी लो हो चुका है, तो मुझे सुबह तक चलाना है ये, तो मैं रील्स बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वृंदावन की गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रही हूँ। सीरियसली मैं बैठ के ना सिर्फ मैं वहाँ ऐसे बैठ जाती हूँ और ऐसे टुक टुक वो सड़क पर देखती हूँ ये कवारी की इसके हालत दिखाने लायक है। देखो आप यहाँ पर हवाइयाँ तो हो चुकी हैं, हाँ तो अभी थके नहीं है, तो मेरे पाँव में दर्द है, मेरे को वैसे थकान नहीं होती कभी, तो थकान किसी को ऐसे नहीं होती, सिर्फ पैर ही दर्द करते हैं परिक्रमा, मेरी भी थकान बिल्कुल नहीं है, और पैरों में पैरों की हालत ना, पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे देख मेरे छाले पड़ गए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं परिक्रमा, हमने कंप्लीट कर ली है, पाँव में दर्द है बहुत ज्यादा, ये तो थकी या नहीं थकी, मैं तो इतनी थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ, कहा था कि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा तो चला ही नहीं जा रहा, इसको इसको ज्यादा फर्क पड़ा है, तो मैं इतना चलती नहीं हूँ, मैं तो नहीं चलती हूँ, लेकिन अभी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हमने परिक्रमा कम्प्लीट कर ली है फाइनली, बहुत बहुत हम आपको दर्शन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो राधे राधे श्याम राधे, शाम तो हमें मिल गए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं मंदिर, मंदिर जो है उसे आप देखिए कुछ इस तरह से है गिरिराज जी का मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नजारा है, यह गिरिराज जी का मंदिर। अब हम एंट्री करने वाले हैं, यह है प्रवेश द्वार, चलो चलो आया आ जाओ, अरे की जय, मंदिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और भीड़ बहुत ज्यादा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और थकान बहुत 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 ज्यादा हो गई है, दर्शन हो गए, कैसे दर्शन हुए, मेरे तो पैरों की हालत ही बहुत ज्यादा खराब है, नहीं मेरी सही है, मेरे एक पाँव में ज्यादा हालत खराब है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है,
ये है पूरा गिरिराज जी का मंदिर अंदर से कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। तो अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है गिरिराज जी के मंदिर का, यहाँ आप देख सकते हैं। फोटो लेना सख्त मना, मैं आपको यहीं से दर्शन कराने वाली हूँ। खोल दिया गाय, ये ना क्या है, चाल देखो चाल, खुद की जगह ना। चला ही नहीं यार, चाल देखो चाल लगा क्या ये पर कुम्मा गेटला। कह रही थी मुझे थकान नहीं होती।